इन फ्रेंड जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथर्न कमांड पुणे सिग्नल रेजिमेंट में ग्रुप सी की बड़ी पदों पर रिक्रूटमेंट आउट की गई थी, उसका एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। ओनली एक महीने के अंदर एडमिट कार्ड आ चुके हैं, जिसमें कुक, मैसेंजर, सफाई वाला, वाशरमैन, टेलर, कारपेंटर, इक्विपमेंट रिपेयर, इन सभी के पदों पर आपकी रिक्रूटमेंट आउट की गई थी। उसके एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो चुके हैं, तो जो भी कैंडिडेट हैं जल्दी सभी के एडमिट कार्ड आने वाले हैं। जो भी कैंडिडेट हैं उसका सिलेबस उसमें क्या रहने वाला है, प्रेस क्वेश्चन पेपर आपको कहां से मिलेंगे और एग्जाम वेन्यू और आपकी एग्जाम डेट क्या रहने वाली है, इसकी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं, तो वीडियो को कंप्लीट देखें। स्क्रीन पे आप ये नोटिस देख सकते हैं, जो कि अप्रैल में ही ये वैकेंसीज आउट की गई थी, मई में आपके एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। बहुत ही फास्ट प्रोसेस आपकी इसकी रहने वाली है, तो जो भी कैंडिडेट है जिसने भी फॉर्म अप्लाई किया था उनके एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो, तो जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने भी फॉर्म फिलअप किया था उनके एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो चुके हैं। जिन्होंने भी सही तरीके से फॉर्म भरा है सबके एडमिट कार्ड आने वाले हैं, कोई भी कट ऑफ नहीं रखी गई है। सबसे बड़ी खुशखबरी कैंडिडेट के लिए यही है, बहुत ही कम कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनके एडमिट कार्ड आते हैं, जिनके जो भी कैंडिडेट हैं शॉर्ट लिस्टेड किए जाने के बाद में आपके, बहुत ही कम कैंडिडेट ऐसे बचते हैं जिनके एडमिट कार्ड आते हैं। इसलिए बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करते ही नहीं आजकल ऐसी वैकेंसीज के लिए, उनके एडमिट कार्ड सबके आने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। इसमें कुक की 11 पोस्ट थी, जिसमें एसटी की 2 पोस्ट, ओबीसी की सबसे ज्यादा 6 पोस्ट थी, अदर के लिए 1 पोस्ट थी, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट थी, इसके बाद में कारपेंटर की 1 पोस्ट है इसमें, इसके बाद में मैसेंजर के लिए आपकी 2 पोस्ट अदर की थी इसमें, ओबीसी की आपकी 2 थी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट थी, टोटल 5 पोस्ट थी। वाशरमैन के लिए 2 पोस्ट थी और एमटीएस सफाई वाले के लिए आपकी 1 पोस्ट आपकी सभी कैटेगरी के लिए थी, 4 पोस्ट थी, और इक्विपमेंट रिपेयर के लिए आपकी 1 पोस्ट थी, टेलर के लिए आपकी 1 पोस्ट थी। इस प्रकार से 11 पोस्ट टोटल आपकी आउट की गई थी, जिसमें आपके एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो चुके हैं। सिलेबस की बात कर लेते हैं, तो सिलेबस आपको जिसका भी एडमिट कार्ड आ गया है वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दे। सिलेबस अभी चेक कर लेते हैं, सिलेबस 100 नंबर का इसमें पेपर आपका रहने वाला है, 10th बेस का ही पूरा कंप्लीट आपका पेपर रहेगा, 100 नंबर का इसमें आपका पेपर रहेगा, जिसमें आपकी न्यूमेरिकल रहेंगे, जनरल आंसर्स रहेंगे, इंग्लिश रहेगी, मैथमेटिक्स रहेंगे, ये सभी आपकी रहने वाली है, 4 सब्जेक्ट आपके रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका पेपर रहेगा, 100 नंबर का पेपर रहेगा, 25-25 क्वेश्चन आपके सभी सब्जेक्ट के रहने वाले हैं। इसकी कंप्लीट पीडीएफ जो भी आपको उपलब्ध हैं, जो भी प्रवेश क्वेश्चन के पेपर हैं और जो भी आपकी हमारे स्टडी मटेरियल है वो कंप्लीट हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी उपलब्ध है और हमारी वेबसाइट है, जिसकी वेबसाइट की लिंक देने नीचे आपको दी हुई है, उसमें भी जाके आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको पुराने पेपर और आपकी पीडीएफ कंप्लीट मिल जाएंगी। आपको कैसे आप पे पहुँचना है वो भी आपको बताया जाएगा। इसके बाद में जो स्किल टेस्ट है, स्किल टेस्ट में जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे उनको बुलाया जाएगा, जो भी आपके मार्क्स है उसी के आधार पर आपकी कंप्लीट मेरिट बनेगी, लेकिन आपका स्किल टेस्ट कंप्लीट आपको क्वालिफाई नेचर होगा, वो कंप्लीट आपको क्वालिफाई नेचर मतलब आपको पास करना होगा। तो जो भी कैंडिडेट हैं जिनका भी एडमिट कार्ड आता है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अभी मैं आपको एडमिट कार्ड दिखा देता हूं, जो एडमिट कार्ड जो कैंडिडेट का आया है, जिन भी कैंडिडेट का एडमिट कार्ड जारी किया गया है वो एडमिट कार्ड चेक कर लेते हैं। स्क्रीन पे आप ये एडमिट कार्ड देख सकते हैं, हेडक्वार्टर साउथर्न कमांड सिग्नल पुणे की तरफ से एडमिट कार्ड जारी किया गया है, जो कि 26 मई को ही डेट में सिग्नेचर हुए हैं, 26 मई को ही ये एडमिट कार्ड जारी किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कोलेटर फॉर द रिक्रूटमेंट ग्रुप सी सिविलियन यूनिट अंडर हेडक्वार्टर साउथर्न कमांड सिग्नल की ये वैकेंसीज आपकी आउट की गई थी। नोटिस आपका 1 अप्रैल को यह जारी हुआ था, इनकी सफाई वाले पोस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी हुआ है, एक्सेप्टेड फॉर प्रोविजनल आपका लिखा हुआ है, जिसमें आपके देख सकते हैं शेड्यूल आपका दिया गया है। 18 जून को ही एग्जाम आपकी होने वाली है, तो टाइम आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। जो भी कैंडिडेट हैं जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। जितनी भी पीडीएफ हैं टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध हैं और हमारे वीडियो भी बने हुए हैं, जिनके लिंक आपको वीडियो की सारी वीडियो के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगी, वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वेन्यू आपका देख सकते हैं गेट नंबर 3 बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप BEG में आपकी एग्जाम होने वाली है, खिड़की पूना में आपकी एग्जाम होगी, BG सेंटर में आपकी एग्जाम करवाई जा रही है। उनके पास प्लेस उपलब्ध नहीं था सिग्नल के पास, तो इसलिए BG में आपका वेन्यू दिया गया है, BG में आपकी एग्जाम होगी। इसमें रिपोर्टिंग टाइम आपका 7:30 बजे गया है, 7:30 के बाद में 9:30 बजे गेट क्लोजिंग हो जाएंगे, 10 बजे से आपकी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी। 2 घंटे का आपका पहले पेपर होगा, पेपर होने के बाद में आपका जो स्किल टेस्ट के लिए दोबारा से एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। इसमें डॉक्यूमेंट जो भी ओरिजिनल साथ में लेके जाने वो आप देख सकते हैं, इसमें आपका कोलेटर लेके जाना है जो कि एडमिट
कार्ड है जो साथ में है वो लेके जाना है, आधार कार्ड आपको लेके जाना है, ब्लैक बॉल पेन आपको लेके जाना है, ओमार सीट बेस आपकी एग्जाम होने वाली है तो ब्लैक बॉल पेन आपको लेके जाना है, और क्लिप बोर्ड भी आपको लेके जाना है, ट्रांसपेरेंट क्लिप बोर्ड होना चाहिए वो आपको साथ में लेके जाना है। इसके बाद में देख सकते हैं बोतल वगैरह आपको एग्जामिनेशन हॉल में नोट अलाउड आपका अलाउड नहीं है, तो जो भी आप कैंडिडेट हैं जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो आपके ये आपको इसके अलावा डॉक्यूमेंट के अलावा कोई भी चीज़ें नहीं आपको ले जाने दी जाएंगी। इसके बाद में दैट रिपोर्ट ऑफ फॉल्स है फाउंड है द इनवॉल्व्ड एंड अनफेयर प्रैक्टिकल द ड्यूरिंग ऑफ एग्जाम, किसी भी प्रकार की कोई भी गलत कार्रवाई आपकी पाई जाती है, किसी भी प्रकार की गलत आपकी उचित अनुचित साधन का प्रयोग किया जाता है तो आपके लिए वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें आप देख सकते हैं जो स्टे ऑफ पुणे अनदर डे ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ केस द टेस्ट ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड नेक्स्ट डे द ट्रेविंग एंड ड्राउनेस अलाउंसेज नॉट पॉसिबल, इसमें आपको ये भी दिया गया है 2 से 3 दिन भी आपका एग्जाम हो सकता है, तो जो भी कैंडिडेट हैं अपने अरेंजमेंट पे जाएं तो जो भी कैंडिडेट 2-3 दिन रुकना आपको पड़ सकता है, जैसे पहले दिन एग्जाम करवाया गया उसमें आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो पाया तो दूसरे दिन भी एग्जाम करवाया जाएगा, तो सभी कैंडिडेट के एग्जाम के कोलेटर आपके आने वाले हैं। इसमें आप देख सकते हैं जो भी आपका ट्रेविंग अलाउंसेज वगैरह नहीं मिलने वाला है कोई भी, और इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके 9 बजे से 13 आवर्स के बीच में कोई भी आपकी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ से कॉन्टैक्ट करके पूछ भी सकते हैं। यहाँ पे सिग्नेचर देख सकते हैं, नीचे आपका एडमिट कार्ड भी अलग से आपका दिया हुआ है जिसमें आपकी फोटो लगी हुई है, यहाँ पे सिग्नेचर, फिर यहाँ पे सिग्नेचर। ओबीसी के ये कैंडिडेट हैं जिनका एडमिट कार्ड जारी हुआ है, 26 मई को ही एडमिट कार्ड जारी किया गया है, तो आपके पास टाइम बिल्कुल भी बहुत कम है, 18 दिन का टाइम आपके पास बचा है जिसमें 2 दिन का टाइम या आपका जो भी जर्नी का टाइम हो जाएगा, तो जो भी कैंडिडेट अपनी तैयारी बिल्कुल स्टार्ट कर दें, बहुत ही अच्छी वैकेंसीज है ग्रुप सी की और जो कि बहुत ही फास्ट प्रोसेस आपका होने वाला है, लास्ट आपका 2 महीने के अंदर अंदर ज्वाइनिंग लेटर भी जारी कर दिए जाएंगे क्योंकि आपकी फास्ट प्रोसेस ये रहने वाली है। मार्कशीट बेस एग्जाम होगी, 15 से 20 दिन के अंदर आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और तुरंत आपके स्किल टेस्ट के एडमिट कार्ड सेंड कर दिए जाएंगे, स्किल टेस्ट के बाद में आपका 1 मंथ के अंदर ज्वाइनिंग लेटर भी जारी कर दिए जाएंगे। तो जो भी कैंडिडेट है जिनका भी एडमिट कार्ड आया है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लिए, कंप्लीट अपडेट नोटिफिकेशन एंड डेली का जीके आपको प्रोवाइड किया जाता है, वहां पे आप डेली का जीके आपका करंट जीके बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आपके सिग्रेन की एग्जाम हुई थी जबलपुर में, वहां पे भी आपके जो भी करंट अफेयर के बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, तो करंट अफेयर के हमेशा डेली जीके आपको प्रोवाइड किया जाता है, इंपॉर्टेंट जीके वो भी आप पढ़ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर जाके, और पीडीएफ भी आपको चेक कर सकते हैं, वहाँ पे पीडीएफ भी उपलब्ध है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, हमारी वेबसाइट है way2jobsite.com उस पर भी आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको स्टडी मटेरियल में जाके आप चेक कर पाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जिनका एडमिट कार्ड है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और साथ में अपने परसेंटेज जरूर लिखना जितने भी परसेंटेज पे एडमिट कार्ड आए, फिलहाल इनके परसेंटेज अभी पता नहीं चल पाया लेकिन आपको मैं बताने वाला हूँ सभी के एडमिट कार्ड आएंगे, कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जिसका एडमिट कार्ड नहीं जारी किया जाएगा, कितने भी परसेंटेज हो लेकिन आपका फॉर्म सही से अप्लाई किया होना चाहिए और टाइम पे पहुंचा होना चाहिए। अभी बहुत सारे कैंडिडेट का कंफ्यूजन ये रहता है कि बाय पोस्ट आपका एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं, तो जो भी अपनी पोस्ट ऑफिस है वहाँ से पता करते रहें, वहीं पे आपके एडमिट कार्ड आने वाले हैं, कहीं से डाउनलोड नहीं होने वाले हैं, तो जो भी अपनी पोस्ट ऑफिस है या पोस्ट मैन है उनसे पता करते रहें, 6 से 7 दिन के अंदर सभी के पास एडमिट कार्ड पहुँच जाएंगे, जितने भी कैंडिडेट हैं दूर के कैंडिडेट हैं जैसे पूना से दूर के कैंडिडेट हैं उनके 6 से 7 दिन के अंदर सभी के एडमिट कार्ड पहुँच जाएंगे, तो अपनी तैयारी जरूर स्टार्ट कर दें जो भी जिनका भी एडमिट कार्ड आता है। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, जो भी कैंडिडेट ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, इस टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। इसमें आपको कहाँ पे क्लिक करना है, एक पिन का मैसेज का चिन्ह दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, यहाँ पे मैं आपको क्लिक करते हुए दिखाई दूंगा, देखिए यहाँ पे आप क्लिक कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऊपर ही ऊपर आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, जितनी पीडीएफ चाहिए उतनी मिल जाएंगी और डेली का जिक्के डेली आपको अपलोड किया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं ये पीडीएफ देख लीजिए, आप खुद देख सकते हैं जितनी भी पीडीएफ हैं जॉब सर्च, ये देखिए आप इंपोर्टेंट डिफेंस सिविलियन क्वेश्चन पेपर नंबर 2, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर नंबर, ट्रेडमैन के लिए क्वेश्चन पेपर, सारे इंपोर्टेंट जैसे देख सकते हैं मॉडल पेपर, इसके बाद में डिफेंस के जितने भी पेपर हैं ओरिजिनल पेपर, सभी के जो भी पेपर, स्टोर कीपर के लिए जो भी पेपर है, उसके बाद में आपके एमटीएस के लिए सिलेबस है, स्पीडी बुक है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, सभी के लिए स्टोर सुपरिटेंडेंट के लिए भी आपका पेपर है, उसमें जो भी आप देख सकते हैं बहुत सारे पेपर आपको मिल जाएंगे यहाँ पे और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं, आराम से आप डाउनलोड कर सकते हैं,